Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे. सो आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है. आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. ये लुक जो है ना, आप किसी भी, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, किसी भी सीज़न में ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही सटल सा लुक है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप पर ये वाला लुक. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. अगर आपकी कोई भी ओपिनियन है वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो सबसे पहले अपनी स्किन केयर कंप्लीट कर लेते हैं. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर. दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा का हाइड्रो बूस्ट टोनर. बहुत ही अच्छा टोनर है, काफ़ी अच्छे से फेस को हाइड्रेट कर देता है, बिल्कुल भी फेस में इरिटेशन नहीं देता है, बहुत ही जेंटल सा टोनर है. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की लूमी क्रीम. ये एक तो फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है, मॉइस्चराइजर के साथ साथ ना ये आपके फेस को हाईलाइट भी करती है. बहुत ही अच्छे इसमें ना शिमरी पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब अजीब से लगते हैं. कई तो होते हैं ना बहुत ही बड़े बड़े से पार्टिकल्स, बहुत ही मतलब थिन पार्टिकल्स है, बिल्कुल बहुत ही कम विजिबल होते हैं, बहुत ही अच्छी लुक देते हैं आपके फेस को, एक अच्छा सा ग्लो एड ऑन करते हैं. ठीक है, इसके साथ एक तो फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है, प्लस बहुत ही ये प्लम्पी लुक देता है फेस को. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम की कैंडी मेल्ट लिप बाम. इसका जो शेड है थोड़ा सा पर्पलिश है, बहुत अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट कर देता है, बहुत ही अच्छी लिप बाम है. उसके बाद बढ़ते हैं कंसीलर की ओर. कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का. इससे मैं ना अपने जहाँ पे मेरी अनइवन स्किन टोन है, जहाँ पर एक्ने मार्क्स हैं, थोड़े बहुत जहाँ पे पिगमेंटेशन है ना, उन सभी जगह पे इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से. लगाने के बाद इसे छोटे से ना मिनी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे डैबिंग फॉर्म में ब्लेंड आउट कर लूँगी. ब्लेंड आउट आपको बहुत ही ध्यान से करना है. आपको ना जहाँ पे आपने कंसीलर प्लेस किया है सिर्फ उसी जगह पे आपको ब्लेंड करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बाकी के एरिए में फैलाना है, सिर्फ उसी जगह पे ही आपको डैब डैब करते हैं, उसी प्लेस पे उसे ब्लेंड आउट कर देना है. सो नेक्स्ट बढ़ते हैं फाउंडेशन की. और फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी की. इसका शेड है 120. ठीक है, इसे पहले मैं अपने फेस पे, पूरे फेस पे डॉट डॉट करके इवनली अप्लाई कर लूँगी. नेक भी कवर कर लूँगी, साथ में ईयर्स भी कवर कर लूँगी. उसके बाद इसे भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. बहुत ही अच्छी कवरेज है इस फाउंडेशन की, मीडियम है, ना ही ज़्यादा हाई कवरेज है और ना ही कम, बहुत ही मीडियम कवरेज है. आप इसे समर्स में भी बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी फेस पे हैवी लुक ये नहीं देती. ठीक है, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर. ये भी मेबलिन का है, ये एज रिवाइंड कंसीलर है. ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी कवरेज जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. इससे मैं अपने सभी जो मेरे फेस के हाई पॉइंट्स है, जहाँ पे मुझे फेस पे ना अपलिफ्ट जो लुक क्रिएट करनी है, फेस को शार्प दिखाना है, वहाँ पर इसे अप्लाई कर लूँगी. देख सकते हैं मैंने अराउंड दी आईज, फोरहेड, नोज, क्यूपिड पो एरिया, चिन, ठीक है, चीक, सभी जगह पे इसे अप्लाई कर लिया है. देन इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. सेम उसी प्रोसीजर के साथ आपको ब्लेंड आउट करना है, ठीक है, टैप टैप करते हुए. ये जो कंसीलर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज कंसीलर है. समर्स में ना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि समर्स में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो ये बिल्कुल भी फेस पे अगर स्वेट भी आए ना, स्वेट प्रूफ कंसीलर है, बिल्कुल भी फैला हुआ सा नहीं लुक देता है, देख सकते हैं. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे. इसे मैं अपने बेस को अच्छे से लॉक कर दूंगी, ठीक है, पसीने आने के बाद भी ना बेस जो है बिल्कुल भी खराब ना लगे. नेक्स्ट
नेक्स्ट हम अपने बेस को पाउडर के साथ सेट कर लेंगे। पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। मार्स के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लस अफोर्डेबल भी होते हैं। इससे मैं फुल फेस को लॉक कर लूँगी। आप चाहे कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर, ठीक है। बहुत ही अच्छा शेड है, इसे आप एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो और आप एज अ कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें ना एक और पैलेट आती है जिसमें हमारे पास तीन कलर्स होते हैं। इस एक तो हाईलाइट होता है, एक कॉन्टोर के लिए होता है, एक ब्लशर के लिए होता है। आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये सिंगल शेड परचेज़ किया था, देख सकते हैं। मैंने इसे अपने फेस पे, जहाँ पे मेरे फेस पे ब्रॉड फीचर्स है ना, उनको सभी को मैंने कॉन्टोर अच्छे से कर लिया है, उन्हें थिन करने के लिए, ठीक है। देख सकते हैं मैंने चीक्स पे थोड़ी सी वी क्रिएट की है, नोज को भी कॉन्टोर कर लिया है, देन उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है, थोड़ा सा फोरहेड पे भी इसे अप्लाई कर लिया है। जहाँ जहाँ मैंने ब्लेंड किया है फेस को, काफ़ी अच्छा सा ना फेस को कट मिल गया है। फेस काफ़ी, मतलब जो ब्रॉड फीचर्स थे ना, काफ़ी थिन लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी लुक आती है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की ब्लशर पैलेट। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास सभी ब्लशर शेड्स हैं, ठीक है। ये ऑल इन वन पैलेट है। इसी पैलेट में से मैं ब्लशर को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैं डैबिंग फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम एले कलर का ये वाला पैलेट। इसी पैलेट में से मैं आज सारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट करूँगी, ब्रोज को भी सेम इसी पैलेट से ही फिल कर लूँगी, ठीक है। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मीडियम ब्राउन शेड लिया है, उससे मैं अपने ब्रोज को फिल कर रही हूँ। ब्रोज को ना मैं बहुत ज़्यादा फिल नहीं करूँगी, बहुत नेचुरल सा फिल करूँगी, ताकि बिल्कुल भी ना ओवर सी लुक ना लगे, बहुत नेचुरल सा लगे। क्योंकि जो हमने मेकअप करना है ना, बहुत सटल सा करना है, कुछ भी ओवर जो है वो नहीं लगना चाहिए। देन उसे मैं जो एक्सेस है ब्रश के पीछे ही स्पूली है, उसके साथ उसे रिमूव कर दूंगी। नेक्स्ट मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, दैट इज मीडियम ब्राउन टू ग्रे शेड है ये। इससे ना मैं अपने आईज के इनर और आउटर कॉर्नर पे लगा के देन उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी ट्रांजिशन में मैच करते हुए, ठीक है। थोड़ी सी ना जो हेलो आईज लुक होती है ना, वो क्रिएट करूँगी। बहुत ही अच्छी लुक आती है, नेचुरल आई लुक आती है, बहुत ही सर्टल सी लुक जो है क्रिएट होती है। देख सकते हैं मैं ब्लेंड आउट इसे कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से, आपको बहुत ध्यान से ब्लेंड आउट करना है। सेम ऐसे मैं दूसरी आई पे भी अच्छे से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। इसके बाद ये वाला जो शिमरी शेड है, इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प के साथ जो हमने सेंटर वाला पार्ट छोड़ा था वहाँ पे इसे अप्लाई कर लूँगी, और देन जो इनर और आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर दिया है ना, उसके साथ अच्छे से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल अलग सा ना लगे, उसके साथ ये मिक्सअप हो जाए। अब सेम पैलेट में से मैं हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी अपने ब्रो बोन पे, ठीक है। अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूँगी, इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है आईज़ पे। नेक्स्ट बारी है आईलाइनर की। आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, बहुत ही अफोर्डेबल लाइनर है। आई थिंक 200 के बीच में ही है इस लाइनर का प्राइस है। इससे मैं थोड़ी सी ना आज विंग क्रिएट करूँगी हल्की सी, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है, इसका स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ आईलाइनर है ये। देख सकते हैं मैंने लगा लिया आईलाइनर, सेम ऐसे ही मैं दूसरी आई पे भी लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं जो मैंने अपनी ट्रांजिशन पे कलर दिया था ना, सेम वही अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। इसके साथ ना बहुत ही बढ़िया सी लुक क्रिएट होती है। नेक्स्ट मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आई मस्कारा। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, काफ़ी अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल कर देता है, लैशेस को काफ़ी थिक लुक क्रिएट करता है ये वाला मस्कारा। अपर और लोअर लैश लाइन दोनों पे ही इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देख सकते हैं हमारा आई मेकअप जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आई है इसके साथ। नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ सेम फ्रॉम फेसेस कैनेडा।
उसके बाद हम फेस को हाईलाइट करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइट शेड। बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये भी, आई थिंक 200-300 के बीच में ये प्रोडक्ट है। देख सकते हैं कितना अच्छा सा ग्लो ऐड किया इसने मेरे चीक्स पे। इसे मैं अपनी चीक्स, नोज़ हो गया, ब्रिज ऑफ द नोज़ हो गया, फोरहेड, क्यूपिड बो, चिन एरिया, अपर लिप्स के ऊपर, ठीक है, सभी जगह पे इसे अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ग्लो ऐड हो गया है मेरे फेस पे। जो फीचर्स थे वो काफ़ी हाईलाइटेड लग रहे हैं। नेक्स्ट बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की। ठीक है, ये भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। आई थिंक इसका प्राइस 200 है, 180-200 इसका प्राइस। बहुत ही अच्छा न्यूड सा शेड है। ठीक है, लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देती है लिप्स। इसके बाद हम अपने मेकअप को पूरा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देंगे मेकअप फिक्सर के साथ। ठीक है, सेम वही फेसेस कैनेडा का फिक्सर मैंने यूज़ किया है। फेस को अच्छे से प्रे आउट कर लिया है, देन उसे ड्राई कर लिया है। तो हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हियर इज़ अ फाइनल लुक। आई होप आपको ये वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।